Mr. Fruity presents Comedy Circus ke AJOOBE. Comedy Circus ki team jaane kahan se sochkar lati hai ek se badhkar ek atrangi themes. Aur aaj to themes ka cocktail hi bana diya hai. Aaj ek hi theme mein hongi teen themes. Har team ka ek member janwar banega, ek nirjeev vastu banega, teesra insaan rahega. To aaj comedy ki cocktail mein kya kya mix hoga, chaliye dekhte hain iski ek jhalak. Ek zamana tha jab log chitthi se pyar jataate the. आजकल तो लोग ईमेल से फीमेल पटाते हैं. फिर मैंने प्यार किया में प्यार की चिट्ठियां एक कबूतर लाता था और हीरो हीरोइन की सेटिंग करवाता था. फिर मैंने प्यार किया का कबूतर और चिट्ठी लेकर आ रहे हैं मंत्रा एज कबूतर, पूर्वी एज हीरोइन एंड राजीव एज अ चिट्ठी. हेलो, मैं हूँ कबूतर, पहचाना? अरे कबूतर मैं हूँ, लेकिन प्यार की गुटरगु ये सोहेल फैला रहे हैं. अरे सोहेल फैला रहे हैं प्यार की गुटरगु, और यहाँ के अजूबे फैला रहे हैं गुटर के अलावा सब कुछ. लेकिन सच्ची बताऊँ, अगर मेरा इस दुनिया में कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो कौन है? मोनीश भेल. आजकल टीवी में शरीफ इंसान का रोल करने वाले ने मेरी पहली फिल्म मैंने प्यार किया मैं मेरे साथ मिसबिहेव किया. आपको याद है कैसे हाथ में ऐसी लुलुलु करने को गुदगुदी हो रही थी? आई नो उस समय वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि पूरी फिल्म में उससे ज्यादा सीन तो मेरे थे. एनीवे लीव इट, मैं तो खुश था कि आते से ही मुझे सलमान खान कैंप में काम मिल गया. लेकिन तब से वो दुर्भाग्यश्री ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा. जब देखो बोलती है चिट्ठी आ जाओ, चिट्ठी आ जाओ. अबे चलो एक बार तो चिट्ठी मुंह में फंसा के ले जाओ. इतनी सारी चिट्ठियां आप कहाँ कहाँ फंसा के लेके जाओ, मतलब हाथ में पैर में चार पंख उखड़ गए उसकी चिट्ठी ले जाने के चक्कर में. वैसे एक बात बताऊं, कबूतर बनने के फायदे भी बहुत हैं. बीट करने के बाद चिट्ठी का ही टिश्यू पेपर बना लेता हूँ. चिट्ठी चिट्ठी नहीं चिट्ठा है, साइंस देख साले. चिट्ठा भी नहीं, पूरा का पूरा पोस्ट ऑफिस है, टेलीग्राम मशीन है मोटे. तू कौन सी चिट्ठी देखे तो किस किस की चिट्ठी लेके घूम रहा है, कौन है? ओ समझ में आया आप. किसको चिट्ठी लिख दी इन्होंने, जरा देखे तो. आप अपने आप को समझती क्या है श्रुति पाजी? आगे लिखा है आपके लिए कुछ चीज भेज रहा हूं, एक पैकेट हेयर डाई, न्यू ब्रांड 32 और बुटॉक्स का इंजेक्शन. इसे गिफ्ट ना समझना, दरअसल मैं हर साल वृद्धाश्रम में कुछ दान देने जाता हूँ, सोचा इस साल आपको दे दू. वेरी नाइस. अरे ये दूसरी चिट्ठी किसकी किसके लिए घूम रहे हो तुम? अरे ये तो हमारे डायरेक्टर निकुल के लिए. किसने लिख दी यार? प्रिय भांजा निकुल गांडा. ओह लिखते हैं मैं कुशल मंगल हूं, तुम शनि से काम चला लो. खैर सोहेल से कहना कि हमारे शो पर बार बार आम फ्रॉम राइट ऑफ आमले, आम फ्रॉम राइट ऑफ आमले ऐसा बोलकर कॉमेडी सर्कस की राइटिंग टीम में जगह बनाने की कोशिश ना करें. क्योंकि कॉमेडी सर्कस में जज तो कोई भी बन सकता है, लेकिन राइटर बनने के लिए कुत्ता पन होना बहुत जरूरी है. आगे आगे लिखा है साले नल्ले आर्टिस्ट चिट्ठी पढ़ना छोड़, अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे. ओ ये तो मेरे लिए लिखा था. नहीं नहीं नहीं, ऐसा बुरा मत फील कीजिए. देखिए कबूतर, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है. चीटिंग चीटिंग चीटिंग. अरे काहे की, ये तो तुम्हारी फिल्म का डायलॉग है ही नहीं. हाँ तो हिट फिल्म भी मैंने एक ही की है ना, दूसरी हिट फिल्मों के डायलॉग भी ना बोलूं. ए यार ये दुर्भाग्यश्री कहाँ से आ गई चिट्ठी? अरे यार इसका मत पूछ, घर पे खाली बैठी बैठी मुझ पे कुछ ना कुछ लिखती रहती है. अच्छा? ए कबूतर. हाँ बोलिए. जरा यहाँ आओ. हाँ जी बोलिए मैडम. ये चिट्ठी को जरा उन तक पहुँचाओ. आपको ये चिट्ठी नहीं चिट्ठा है मैडम, इसको मैं अगर यहाँ पे पाँव में बांध के लेके जाऊंगा कितना भी उड़ा लूं ना उड़ नहीं पाऊंगा मैं. ए तू बकवास बंद कर. कौन है? चोच मार दो. और मैडम कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं, बात करनी है ना, फोन रिचार्ज करवाओ अपना. हाँ सच का छोटा रिचार्ज करवा लो मैडम, कहाँ चिट्ठी विट्ठी के जमाने में बैठी है. 10 रुपए छोटा रिचार्ज, आई लव यू बोलना 50 रुपए, काम मांगना है फिर वो तो आपको कोई देगा नहीं, छोड़िए. हम कह रहे अरे कब तक कबूतर के गले में चिट्ठी बांधोगी, SMS कर लो कबूतर महंगा पड़ जाएगा. इरफान की कितनी गंदी मिमिक्री करते हो तुम. आज अच्छा, नहीं है भाग्यश्री की बड़ी लल्लन टाप मिमिक्री कर ली तूने जैसे कोई. पता नहीं यार सलमान ने अपने मुंह पर मुक्का मार लिया होगा ये बोलकर कि मैंने इससे प्यार क्यों किया. देखो अभी मूड नहीं है, एक काम करो जरा यहाँ आओ. चिट्ठी मुझे एक एप्लीकेशन लिखनी है.
लिखो, फिर शुरू। श्री सलमान जी, आज मूड नहीं है। सुगंधा, निवेदन है कि मैं गत वर्षों से अभिनय के क्षेत्र में प्रयास कर रही हूँ। स्ट्रगलर, वो तो बड़ी स्ट्रगलर हुए। आपसे अनुरोध है कि आप मुझे काम प्रदान करने की कृपा करें। कच्चे तो काम है, तो इतना बड़ा स्ट्रगलर आदमी, तो इतना बड़ा एक्टर, हमको कच्चे तो काम दो, ऐसे कैसे काम नहीं देता है तू हमको। हाँ, एप्लीकेशन पढ़े या ना पढ़े, लेकिन हर बार की तरह कूड़े में ना फेंके। धन्यवाद आपकी पूर्व अभिनेत्री। देखो, पूर्वी के आगे अभिनेत्री मत ही लगाओ तो अच्छा रहेगा। देखो, ज्यादा चोच मत मारो, मेरा मतलब है बीच में मत बोलो। हाँ। और मुझे ऐसी वैसी मत समझो। परसों ही मैं फिल्म सिटी गई थी, वहाँ पे ऋतिक, आमिर और शाहरुख सब ने मेरे साथ फिल्म साइन की है। हेलो मैडम, मैं ऊपर ऊपर उड़ रहा था, मैंने देखा, वो फिल्म साइन नहीं, ऑटोग्राफ ले रही थी आप उनका। कैसे कैसे लोगों को ये विपुल दिशा रख लेता है शो पे, कसम से क्या बताऊं आपको। सोहेल भाई, गुस्सा नहीं होना। विशेष सूचना, कबूतर जो है वो शांति का प्रतीक होता है। अगर हमारा एक्ट देखते देखते आपको गुस्सा आ जाए तो मुझे देख लीजिएगा, आपको शांति मिलेगी। थोड़ा इन्वेस्टमेंट और कर लो तो शांति के साथ श्रुति भी मिल जाएगी। अरे ये क्या नाम शराब बोल रहे हो? देखो, श्रुति और सोहेल, दे आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त हैं वो। एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं होते प्रेम, ये तो एक पर्दा है, पर्दा कप कपाती रातों में, धड़कते दिलों की भड़कती आग को बुझाने का, छुपाने का। ए फोन आए, ओए रुको रे। हेलो, हाँ भाईजान, कबूतर स्पीकिंग। हाँ, मैंने प्यार किया में मैंने डेब्यू किया था, बोलो। अरे हाँ हाँ, मेरे डेट्स फ्री है, मैं काम करने को तैयार हूँ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भिजवा दीजिएगा। हे, मेरे को भी फिल्म में काम दिलवाना है यार। तुम करोगे? हाँ यार, हॉलीवुड की फिल्म है। हॉलीवुड की? हाँ। यार मेरा डायलॉग क्या होगा बताओ? डायलॉग देखो, ये लड़की के पास पहुंचा लड़के का खत, यानी तू चिट्ठी। ओके। लड़की ने वो खत यानी चिट्ठी तुझे अपने हाथ में लिया, ऐसे यूं पास में लाई और यूं फाड़ दिया। और डायलॉग, डायलॉग रंटा पे वो तू बता। डायलॉग तुम्हारा है? कहां से फटोगे, कैसे फटोगे, कुछ नहीं मालूम। आए बड़ी चिट्ठी बनने। ए, मैं बहुत खुश हूँ चिट्ठी बनके। अरे जब कोई महबूबा अपने महबूब को लेटर लिखती है ना, तो उसके बाद जब चूमती है तो लिपस्टिक का निशान यहाँ लगता है। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं। और जब पिंकू तुम्हें लेटर लिखता है और फिर अपने थूक से करके एनवेलप बंद करता है, तो तुम्हें बहुत मजा आता है, आज मूड नहीं है। देखो, कबूतर बनकर जिंदगी सक्सेसफुल हो गई मेरी। अपन उड़ते हैं तो ऊंची उड़ान उड़ते हैं, वो भी हीरोइंस के ऊपर, और टॉप व्यू से हीरोइन को देखने में जो मजा है ना, वो अंटा है। अरे सिली कौन? हाँ? सिली कौन? मतलब मैं बोल राखी। हाँ? राखी बड़े कमाल की लड़की है, बड़े खुले दिल की लड़की है, मेरी बात मानो। हाँ हाँ, आजकल की तो सारी एक्ट्रेसेस बड़े खुले दिल की है, यहाँ यहाँ तक सबके दिल खुले होते हैं, आज मूड नहीं है। तुम ये डायलॉग बार बार बोलना बंद करोगी, मूड नहीं है, हमारी ऑडियंस भी बोल रही है, अरे पूर्व भी आ गई, मूड नहीं। तू तो बड़ा हंस रहा है करके। अरे आजकल चिट्ठी को पूछता कौन है, ब्लडी चिट्ठी। और आजकल दुर्भाग्यश्री का कौन पूछता है? देखो, तुमने तुमने ज्यादा जबान लगाई ना, तो मैं तुम्हें फाड़ के SMS रख लूंगी। हाँ रख लो, मैं भी चिट्ठी बन के खुश नहीं हूँ। अरे बॉर्डर पे जाकर सिपाही से पूछो जिसको चिट्ठी आती है घर से, और उसी खुशी में दन दन गोलियां चला के दुश्मन को मार देता है वो। अबे पगलोट, वो खुशी में नहीं गुस्से में चलाता है कि साले मेरी बीवी को यहाँ बॉर्डर का एड्रेस दिया किसने। अरे छोड़, क्या बकवास करता है। अरे तेरे को चिट्ठी की अहमियत ही नहीं पता। कोई जमाना होता था बेटा अपने बाप को चिट्ठी लिखता था, पूज्य पिताजी चरण स्पर्श, कैसे हैं आप। और आजकल मैसेज, हाय डैड, व्हाट्सएप। आज भी हमारे पास सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की चिट्ठियां पड़ी हैं, जाके देखिए आपके पास है इतना पुराना मैसेज, बताइए। चिट्ठी की वैल्यू साले, 8 लाइनें मिली थी तेरे को, एक भी पंच नहीं मारा तूने, हैं? आज रात को तेरे को एक SMS आएगा जो तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा, समझे ना। किसका? हमारी सेलिब्रिटी मैनेजर नीति का, जिसमें लिखा होगा, राजीव तुम्हारे साथ काम करके बड़ा मजा आया, अगर आगे कुछ काम होगा तो उम्मीद मत रखना, क्योंकि तुम्हें हमने कर दिया है टाइम आउट, टाइम आउट, टाइम आउट। एक मिनट, ऐसा मैसेज तो हमारी बरखा को भी आया था ना। अबे बरखा हो या चरखा, नीति को कोई फर्क नहीं पड़ता। गांडा का इशारा मिलते आर्टिस्ट को,
फांसी पे चढ़ा देती है। ए नीति, हम तू जो बोलेगी हम करेंगे। कबूतर बन अलग, कबूतर बन गया, कौवा भी बन जाता है। मैं एक्टिंग भी करती हूं, मेरे को पूजा पर भी आता है। मैं कर दूंगा, हमारे पास है। अरे पूजा छोड़ा, ये कबूतर ले लो, कबूतर ले लो। छोड़ छोड़ छोड़, ठोक दूंगा मैं, ठोक ठोक ठोक। सब टैलेंट है, सब टैलेंट है हमें। प्लीज नीति, हमें मैसेज मत भेजना, आज मूड नहीं है। आरजी, जब ये एक्ट अनाउंस हुआ तो मुझे लगा ग्रेट प्रॉमिस, वॉलेटाइल कॉम्बिनेशन है और इमेजिनेशन गोज वाइल्ड कि ये कबूतर है, वो भी मैंने प्यार किया का। मंत्रा, आपका जो डेडिकेशन है, मतलब आप जिस घुस जाता है, आज इस कबूतर के कॉस्ट्यूम में घुस गए आप, तो मतलब कबूतर की खैर नहीं, घुस दिया, घुस गए बिल्कुल। फिर आप पूर्वी, यू आर वेरी गुड, लिमिटेड स्कोप बट यू आर गुड। चिट्ठी महाराज, अगर इसमें बहुत सारा ह्यूमर होता तो आपका सटायर काम करता, लेकिन यू आर फैबुलस। थैंक यू सुहेल। क्या होता है दैट व्हेन योर एक्सपेक्टेशंस आर मच हायर एंड जो आप में जो टैलेंट्स है, कॉन्सेप्ट भी कमाल का था, यू सडनली फील क्या बेड है यार, एक कमाल का एक्ट होने वाला है। बट ऑब्वियसली उसके लिए यू नीड अ ग्रेट कंटेंट ऑफ राइटिंग टू फॉलो। योर टैलेंट इज undisputed, the one of the best hard working talents that we see, and content ke na hone ke bawajood how you all still work hard and don't give up, kya hum apna kaam to sincerity ke sath karenge, and that is credible. Yeah. thank you. Time now for the scores. So Suhail, aap is act ko kitne points denge? 9 points from Suhail. Archana, yay. जब एक पार्टी होती है तो नाच गाना होता है, चिकन तंदूरी बनता है, दारू खुलती है, लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि उस मस्ती में बेचारे चिकन पर क्या गुजरती है? चिकन से तंदूर बनते हुए मुर्गे की भावनाएं लेकर आ रहे हैं सुदेश एज हिमसेल्फ, कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स एंड सिद्धार्थ एज अ तंदूर। अर्चना जी, क्या बताऊं, मैंने इन लोगों से पेमेंट क्या मांगी, फिर से मुर्गा बना दिया इन लोगों ने। लेकिन मैं गेटअप में कैसा क्यूट लग रहा हूँ ना, प्लीज आप पेमेंट मत मांगना। हा? क्योंकि आप गोरिल्ला के गेटअप में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। हम मुर्गे लोगों की क्या जिंदगी है यार, जिंदगी और मौत किसी की भी प्लेट में हो सकती है। पता है आपको, सोहेल भाई के घर पे फार्म हाउस पे मैं परसों गया था, इतना बुरा लगा, मेरे दादाजी उनकी धोती उतार के बीच में ऐसा मसाला लगा के ऐसे टंगाया हुआ था उनको आग के ऊपर। अरे चिकन खाना खाओ, ऐसे नंगा करके बेइज्जती तो नहीं करने का। पता है मार्केट में दादाजी की कितनी बेइज्जती, की सोसाइटी में बहुत इज्जत थी उनकी। कहते भाई साहब नंगे मर गए, थू थू कर रहे हैं सब लोग। और इनके बड़े भाई अरबाज भाई मेरी बुआ के अंडे उठा के ले गए। वो तो शुक्र मनाओ बुआ को बुरा नहीं लगा, वो खुद मार्केट से उठाकर लाई थी। खैर, एक लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, चोच मार मार के फाड़ डालूंगा तुम लोगों, ये ऑप्टिमिस्टिक वाले। जब भी पैकअप होता है रात को, दारू और कबाब वबाब चलते इधर। रचना जी, आपको मालूम है, एक दिन इन लोगों ने मेरे को इनवाइट किया, मैं देखो मैं तो नहीं आऊंगा भाई साहब। कहते नहीं, आपको एज अ फूड इन्वाइट नहीं किया, एज अ गेस्ट इन्वाइट किया। पूरी फैमिली के साथ मैं इनकी ऑप्टिमिस्टिक की पार्टी पे चला गया। आपको तो एक घंटे में एक एक करके सब कम होने लगे अर्चना जी। कन्फर्म मुझे तब हुआ जब पिंकू की प्लेट में मैंने ताऊ जी की टंगड़ी देखी। एक तो ये इंश्योरेंस वाले मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। एक इंश्योरेंस वाला, यार इंश्योरेंस कर लो भाई साहब। मैं ला क्यों पीछे पड़े यार, कहते हमारे ईयर की एंडिंग है, एक तो मुर्गा हमें फंसाना ही पड़ेगा। मैं बोला इंश्योरेंस में कर दूंगा, क्या फायदा? बोलते कहते हमें बोनस मिलेगा, फिर हमारे ऑफिस में पार्टी होगी, रात को हम दारू पियेंगे और चिकन खाएंगे। ये बात सुनते ही मैंने उसे ऐसी जगह चोच मारा, जिंदगी भर कभी बाथरूम नहीं कर सकता अर्चना जी वो। हेलो एवरीबॉडी, आज मेरा बर्थडे है, आप सब नहीं आना है। अर्चना जी, पहली बार आपने धोखा दे दिया, मैंने आपको फोन किया, मेरे बच्चों ने भी फोन किया, फिर भी आप आ गई। हेलो हेलो हेलो, हाय मुर्गा साहब, आप तो जरूर आना। मैं क्यों, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। देखो, जिन मुर्गों को मैं जानता हूँ उनको मैं काट नहीं ना सकता फिर। और वैसे भी आपको आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं, वो शराब के बाद उनको लेग पीस बहुत पसंद है। क्या? हाँ जी, आपके दोस्तों को लेग पीस बहुत पसंद है? Yes. मेरे को तो पोलियो हो गया साहब। हेलो हेलो ओ हेलो, पोलियो हो गया। हेलो ओ हेलो हेलो हेलो, बचपन में टीके लिए नहीं साहब मैंने। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था, ये तो और भी मजा आएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है,
हमने खाना ही आपको अपना घर जुबाई थोड़ी बनाना है यार। और वैसे भी आपको आना पड़ेगा क्योंकि 300 रुपए में आपके मालिक से मैं आपको खरीद चुका हूँ। अरे लेकिन मैं तो 600 रुपए का बिकता हूँ मार्केट में। देखो आपके मालिक ने कहा भले मुझे 300 रुपया कम दे दो लेकिन इस कमीने को यहाँ से ले जाओ, सारी मुर्गियों को छेड़ता रहता है। ये ले 600 रुपया और भाग इधर से। 600 रुपया तेरे पास? इतना पैसा तेरे पास कहाँ से आया? देखो हमारा मालिक है ना, उसके पास टाइम नहीं रहता, इधर डाना डालने आता नहीं है। मेरे को महीने का 600 रुपया दे के जाता है, बोले लोखंड वाला जाके कुछ भी खाओ पियो, हमको परेशान नहीं करने का, समझा? चल मेरे साथ। बाबू मुशाय, ये जिंदगी और मौत उस ऊपर वाले के हाथ में। बाबू मुशाय, हम तो सिर्फ इस तंदूर की कठपुतलिया है जिसके लेग पीस उस भुक्कड़ के हाथ में है, और वो जब चाहे जहां चाहे हमारी टंगड़ी थोड़ के हमें खा सकता है। I'm sorry. तेरी ये बातें सुनकर मेरे मुंह में पानी आ गया। चल फिर भी तेरे को खाऊंगा। चल अंदर, चल मेरे घर पे, चल आ गया मेरे घर पे तू। मेरा तंदूर किधर है? तंदूर कहां था तू? इतनी देर तक कहां गया था? सर जी वो हमारी पड़ोसी है ना सिंह साहब, मैं उनके यहाँ था। सिंह साहब? साले ये वही सिंह है जिन्होंने कल 8-8 नंबर दिए ना हमको। अर्चना पुरन सिंह जी हमारी पड़ोसन है। अच्छा। बस उनका काम है कभी तंदूर ले जाती है, कभी चकला, कभी साइकिल, कभी स्कूटर, मना हम कर नहीं सकते, उनका काम ही। अभी उनके भाई की शादी थी अपने बातू की, हमारे पास आई, आपके घर पे कोई लड़की पड़ी है दे दो। मतलब वो वापस कर देंगे क्या? हमने कौन सी रखनी है, ऐसे कर दिए। ये क्या है? ए, ए, कौन है तू? मैं वो हूँ जो शाम को प्लेट में सर्व होने वाला हूँ। मूंग दाल का पापड़ है? मूंग दाल का पापड़ तेरी बात है? मूंग दाल के पापड़ की कलगी देखी है क्या तूने? अरे मैं मुर्गा हूँ मुर्गा, शाम को लेग पीस खाएंगे इसके दो। हेलो हेलो। अरे मेरी साहब मेरे को मत मारो, मैंने आज तक जिंदगी नहीं देखी, दुनिया नहीं देखी, मेरे को मत मारो प्लीज। एक बात कहूँ, ये दुनिया तेरे मतलब की नहीं। ये जो दुनिया तू देख रहा है ना, हाँ ये वो दुनिया है अच्छे अच्छे एस्टेब्लिश कलाकारों को 8-8 नंबर दे रहे बेटा। इन्होंने ये नहीं देखा बैकग्राउंड कोई बोल बचन में आया है, कोई रेडी में आया है, किसी ने हमारा लिहाज नहीं किया बेटा यहाँ पे। चलो जैसे तू टोंट मार रहा है ना बेटा, मुर्गा ये बना मरेगा तू आज। चल चल अंदर चल। अरे मेरी आखिरी ख्वाहिश तो सुन लो। क्या है तेरी आखिरी ख्वाहिश? बोल। साहब मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं आपका कत्ल करना चाहता हूँ। नहीं डाला छोड़ूंगा नहीं तेरे को। बेटे पका दे इसको। ये क्या करा आपने? उस बेचारे में जान थी, अभी 2 मिनट तक वो जिंदा था, खत्म कर डाला। अरे इसको पका, लोगों को क्यों पका रहा? पका इसको। चलो अब बजाओ, अब एंजॉय करेंगे। पार्टी का मजा आ गया, थक चुका हूं मैं, अब थोड़ा सो जाता हूं, तू भी भाग यहां से, चल अंदर। हाय पार्टी का मजा आ गया भाई। और 15 साल बाद। हेलो एवरीबॉडी, हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं बकरा और आज मेरी बर्थडे पार्टी है और मैं आप सभी लोगों को इनवाइट करना चाहता हूं। भाई साहब आप भी मेरी पार्टी पे जरूर आइएगा। पर मैं आपको जानता ही नहीं। अरे आओ ना भाई साहब, जान पहचान से क्या होता है, काफी मीट है आप में। हेलो हेलो, दिखाओ दिखाओ तुझे। आओ ना भाई साहब, आपको पकाएंगे उधर, आओ ना। आओ ना, आओ ना, बहुत बढ़िया मीट है आपका। देखो मेरा कसूर क्या है? देखा खुद पे आई तो कसूर पूछ रहा है। भाई साहब आज से 15 साल पहले एक 6 फुट 2 इंच के बड़े क्यूट मुर्गे को आपने काट के पकाया था, आपको याद है? मेरे माइंड से निकल गया। बेटा माइंड से नहीं निकला, तूने खा के कहां से निकाला ना मालूम है मेरे को। चलो आओ भैया, आओ पार्टी पे चल ले। देखो इंसान को नहीं मारना चाहिए। सही कहा तुमने, इंसान को नहीं मारना चाहिए क्योंकि आज इंसान ही इंसान को मार रहा। तुझे क्या लगा साले मैं सटायर मारूंगा?
500,000 की कोई जरूरत नहीं है, चल मेरे साथ, तेरे को लेके ही जाऊंगा, चल। एक मिनट सर, मेरे पे तरस खाइए, मेरे छोटे छोटे दो बच्चे होने वाले हैं पैदा। होने वाले हैं मतलब? डॉक्टर ने कहा हो जाएंगे, दवाई खाते रहो। अरे बकवास बंद कर, चल मेरे साथ। साले अब तू कुछ नहीं कर सकता। देखो मैं आप पे केस कर दूंगा। क्या फायदा है, कोर्ट में 25-30 साल केस चलेगा, तब तक तो तू मर ही जाएगा। इससे अच्छा पार्टी पे चल, तेरे को काटेंगे, प्लेट में सर्व होगा, किसी के काम तो आएगा, आना बेटा। नहीं नहीं देखो मुझे माफ कर दो, इमोशनल काय को कर रहा है, सुन मैं जानवर हूँ, इंसान नहीं हूँ, समझा? अगर इमोशनल हो गया ना तो हो सकता है तुझे छोड़ भी दूँ। लेकिन बेटा आज तो तू कटेगा। क्या बात है, जोरदार तालियां। आप लोगों को क्या लग रहा, मैंने इसे मार दिया? नहीं अर्चना जी, मैंने कहा था ना कि मैं जानवर हूं, इंसान नहीं हूं, मैं इतना बेरहम कभी नहीं हो सकता। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों की खुशियां मनाने के लिए हमारे सारे बच्चे क्यों मार देते हैं? आपकी ममता ममता और हमारी ममता सिर्फ कुकड़ुक को। अच्छा जी, मैं आज ज्यादा भाषण नहीं देना चाहता, सिर्फ एक ही चीज कहूंगा। अर्चना मुझे पता है कि एक्ट का ये जो आखिरी हिस्सा था वो आपको जरूर पसंद आया है। इस मंच पर हाहाकार और एंटरटेनमेंट और कॉमेडी ऑफ कोर्स होती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो ये मैसेजेस हैं या सटायर है, ये भी अब कॉमेडी सर्कस का एक अंश बन गए हैं। क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो इसलिए आई अंडरस्टैंड एंड एम्पथाइज कम्प्लीटली विद द सेंटिमेंट ऑफ दिस एक्ट। इसका हार्ट जो है, दिल जो है इस एक्ट का, सही जगह था। आपकी परफॉर्मेंसेज वर अमेजिंग एंड द एंड वाज सुभानअल्लाह। सुहेल कैसा लगा आपको कृष्णा, सुदेश और सिद्धार्थ का ये एक्ट? ये जो एक्ट था, और ये तो सुदेश जी आपका बर्थडे था और आपने इसमें जो मजे लिए हैं, आई थिंक इट वाज फैबुलस। कृष्णा आप जो करते हो वो आप ही कर सकते हो। आई जेन्युइनली से कि आप में कोई शर्म नहीं है, एंड दैट्स द बेस्ट टैलेंट यू कैन हैव एज एन एक्टर। और सिद्धार्थ मेरे भाई, आई हैव बीन सेइंग दिस, क्या आप एक्चुअली ये तंदूर बन के आप अभी इस टीम को पकाते हो, एंड आई डोंट मीन दैट इन द बैड वे, आई मीन दैट इन द गुड वे। सो इट वॉज अ फैबुलस एक्ट। सो सुहेल आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? फुल ऑन 10 पॉइंट्स फ्रॉम सुहेल। अर्चना, एज एन एक्ट इट डिजर्व्स अ 9, बट इन टोटैलिटी एंड फॉर माय मुर्गा 10 पॉइंट्स फ्रॉम अर्चना। निकुल गांडा, वो इंसान जो हम सबको करता रहता है हैरान और परेशान, उसने आज ले लिया है वनवास। लेकिन अभी भी बाकी है एक आफत, निकुल का बेटा जा रहा है बाप को लाने वापस। अब निकुल का बेटा जंगल में निकुल को ढूंढ पाता है या नहीं, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम भारती एज निकुल का बेटा, किक्कू एज बंदरिया, एंड सिद्धार्थ एज ए नदी। मेरे पापा नाराज होके जंगल में भाग गए छे, बेचारे रात रात भर कॉमेडी सर्कस की शूटिंग कर छे और दिन में अपने मामा के साथ लोगों का फंसाने का प्लान कर छे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। इंट्रोड्यूसिंग सन ऑफ निकुल गांडा। तभी से लोगों ने मेरे सर पे लिख दिया कि मेरा बाप भांजा है। मेरा बाप भांजा है। बहुत अच्छे है मेरे पापा। एक दिन रात को मम्मी ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, छोड़ो। कहने लगे हिरल एक पप्पी दे, तेरे को चांद लाके दूंगा। मम्मी कहने लगे नहीं। फिर कहने लगे हिरल एक पप्पी दे, तेरे को तारे लाके दूंगा। मम्मी ने कहा नहीं। मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने कहा पापा मैं 10 पप्पियां देता हूँ, मेरे को साइकिल ही ला दो। साइकिल लाने से पहले ही मेरे पापा जंगल में भाग गए। इसीलिए मैं आज जंगल में आया हूँ, कहीं तो पापा मिल जाए। पापा सूत है जो पापा। पापा।
अरे बरखा आंटी आप? मैं बरखा नहीं हूँ, मैं बंदरिया हूँ, बंदरिया। मेरा भाई जंगल का राजा है। अरे बंदरिया आंटी, बंदर जंगल का राजा नहीं होता, शेर होता है। शेर? शेर? शेर नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं होती, ये एक भ्रम है, मुझे ऐसा कपिल ने बताया है। एक मिनट, आप बरखा नहीं हो? ओ माय गॉड, उधर बरखा गायब, इधर पप्पा गांडा गायब, कहीं ये दोनों मिलके मेरा छोटा भाई ना लेकर आ जाए। पप्पा, पापा सूत है जो पापा। ये तेरे पापा कैसे हो सकते हैं? ये तो एक पत्थर है। अधर्म के पहाड़ जैसे मामा के साथ काम करते करते मेरा पापा भी पत्थर हो गया है। पापा तू रो मत, मुझे बता के तेरे पापा जंगल में आए क्यों थे। मुझे आज भी याद है वो रात, कॉमेडी सर्कस की शूटिंग खत्म हुई, पापा रोते हुए घर आए। मैंने कहा पापा क्या हुआ? कहने लगे सब कहते हैं निकुल ये कंटेंट बेस्ड शो है, इसमें डायरेक्टर का कोई काम नहीं है। मैंने कहा पापा मुझे आपकी काबिलियत पे पूरा भरोसा है, लेकिन वैसे आपका वहाँ पर कोई काम नहीं है। अपने पापा की बेइज्जती करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? क्या शर्म, जब पापा के बाल ही अपने नहीं हुए तो बच्चे क्या होंगे। देख मैं इस जंगल को अच्छी तरह जानती हूँ, मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। मुझे बता कि तेरे पापा दिखते कैसे थे? दिखते कैसे? एक मिनट। ऐसे ऐसा इंसान अगर किसी ने देखा हो तो प्लीज ऐसे दिखते थे। अगर ऐसा आदमी किसी ने देखा हो तो प्लीज मुझे बताइए, वो मेरे पापा है। मतलब तेरे पापा गंजे थे? हाँ गंजे थे, इसी बात का मेरे को डर है, कहीं थक के जंगल में नारियल के पेड़ में ना सो गए हो और कोई पत्थर से उनको नारियल समझ के उनका टकला ही ना फोड़ दे। तू अपने पापा को ढूंढने के लिए विपुल शाह को क्यों नहीं बोलती? क्यों बोलूं, उसी के तो पैसे लेके भागा ये टकलू। पापा ऐसा था तेरा पापा? किसी काम का नहीं था, एक बार कहा कि मुझे श्रुति आंटी फंसा के दो, वो तक नहीं पटा पाया साला। श्रुति आंटी को क्यों पटाना है, उसका तो पहले से पटी है। पटी है? देखो बेटा खाली कुर्सियों पे तो सब बैठते हैं, मजा तो तब आता है जब भरी कुर्सी में से किसी को उठाओ और उस पे बैठो। बातें तू बड़ी अच्छी करता है, अपने पापा के बारे में कुछ और बता। मैं कुछ ज्यादा नहीं बता पाता क्योंकि हम दोनों इतना मिलते नहीं थे ना, हम दोनों के बीच में हमेशा एक पुल रहा है। कौन सा पुल? विपुल। उसने आज तक मेरी माँ हीरल और उसका बेटा गोलू गांडा को कभी पापा के साथ मिलने ही नहीं दिया, हमेशा उसको रात रात तक बिजी रखता था। हाय, तूने मुझे जफ्फी डाल के एक छोटे से बच्चे को जवान कर दिया। तूने इस बंदरिया को एक ही लाइन में पटा लिया। सच? अब मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे। एक मिनट, किधर से लाऊं पानी? बहने दे मुझे, बहने दे मुझे, बहने दे मुझे, बहने दे। ए, 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 तू एक्ट के पहले माचिस खा के आती है क्या, इतना कड़वा क्यों बोलता है? अरे बहने दे मुझे, बहने दे मुझे, बहने दे मुझे, बहने दे। एक मिनट, इस जंगल में तुझे किसकी बहने लाके दूं? चमार दूंगी, मैं नदी हूँ इसलिए मुझे बहने दे मुझे, बहने दे मुझे, बहने दे। जंगल की नदी ऐसी तो नाले कैसे होंगे? मुझे क्या पता, मैंने तो आज तक कोई नदी देखी ही नहीं। अरे नदी तो ऐसी होती है। अच्छा प्रभु देवा। अरे प्रभु देवा तो ऐसे होता है, नदी तो ऐसी होती है। मुझे क्या पता, ऐसी बातें करता है। ओ
all because of my father, Nikul Ganda. उसने आज तक हमें कभी खेलने बाहर ही नहीं जाने दिया। एक दिन मैंने कहा, डैडी, मुझे फुटबॉल चाहिए। तो कहने लगा, रुक। अपना सर घुमा के दे दिया और कहने लगा, ढंग से खेलना, मुझे कल ऑफिस जाना है। वैसे एक बात बोलूं, तू नदियों के बहुत गंदी बातें करती है। मैं गंदी नहीं थी, मुझे गंदा बनाया तुम इंसानों ने। अरे हिमालय से पवित्र होके निकलती थी मैं, मुझ में फैक्ट्री का पानी डाला किसने, तुम इंसानों ने। मुझे अच्छी नदी से नाला बनाया किसने, तुम इंसानों ने। आज गंगा कौन गंगा किसकी, आज गंगा कौन गंगा किसकी, आज तो पानी से ज्यादा लोगों को प्यारी है विस्की। एक मिनट, ये क्या मुंह सिद्धार्थ जाधव का और बातें मंत्रा जैसी। दो बूंद गंगा जल की कीमत तुम क्या जानो अर्चू बाबू। आ जाओ, डूब जाओ मुझे। अरे बचाओ अर्चू आंटी। अर्चू जी बचाइए। आपको अपनी रोजी रोटी की कसम, सोहेल अंकल आपको रोजी की और अर्चना आंटी आपको रोटी की कसम। अरे एक मिनट, डूबने से पहले पापा ने कहा था अपनी निशानी श्रुति आंटी को देख के आना। श्रुति आंटी इधर आओ, मैं चाहता हूँ कि हमारे जाने के बाद भी दिसाई फैमिली लोगों को ठगती रहे। आ जाओ श्रुति आंटी, इधर आ जाओ। चलो उनके पास चलो चलो। जजेस, क्या आप लोग भी इस एक्ट को देखकर उतना ही थक गए हैं जितना कि मैं? सिद्धार्थ और किकू की कांस्टेंट मूवमेंट की वजह से सिर घूम गया। अर्चना यहाँ देखिए सिद्धार्थ यादव की फिजिकल कॉमेडी। नदी मतलब जैसे कि नदी में कुछ सुनामी आ रही थी, ऐसे कुछ बने हुए थे। और आप बंदरिया जी, आपने तो मुझे मतलब दहशत से मैं कहाँ उठी थी जब आप मेरी तरफ आए। एक तो कॉस्ट्यूम, ऊपर से आपका अंदाज, प्लस क्यूट ऑल्सो। ऐसे अगर एनिमल बनना है, ऑब्जेक्ट बनना है, तो इस तरह से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये इसका बहुत बढ़िया मिसाल सिद्धार्थ आपने और किकू आपने दिया। थैंक यू। और आज एक नया किरदार यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे मंच पर, वो है गांडा का डांडा। आई लव दिस, मेरा बाप भांजा है। ऐसी लाइन आपको सिर्फ कॉमेडी सर्कस में मिल सकती है। वेरी नाइस कॉन्सेप्ट और एंड में बहुत धमाल हुआ। थैंक यू मैम। सोहेल, यू नो दिस होल एक्ट हैड अ सर्टेन काइंड ऑफ स्वीटनेस बिकॉज वी नो निकुल, तो एक निकुल का बच्चा आ गया था स्टेज के ऊपर, एक एप विद अ पिंक स्कर्ट, उनका एक रोमांस शुरू हो गया था। फिर हमारी जो नदी आई है, यू नो, लहराती हुई, इट वॉज अ फैबुलस एक्ट। तो सोहेल, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? फुल ऑन 10 पॉइंट्स फ्रॉम सोहेल। अर्चना, ये थैंक यू मैम। किकू, सिद्धार्थ और भारती के लिए जोरदार तालियां। सुहेल, अब आप दिल थाम लीजिए और सब्र से काम लीजिए, क्योंकि आपकी यादों की फुलवारी का सबसे महकता चहकता फूल फिर से अपनी खुशबू बिखेरने आ रहा है। जी हाँ, आ रहे हैं सुहेल का दुलारा, फिनाले का मारा, राजीव ठाकुर हमारा। और उसके स्वागत के लिए आए हैं दो बहुत ही खास मेहमान। सो प्लीज वेलकम राजीव ठाकुर, शयांतनी एंड रवि। दुख में नहीं पी रहा हूँ ये, मैं खुशी में पी रहा हूँ। क्या बनाया इधर है? लोग नाक में उंगली करते, इसकी नाक में मुक्का कर सकते हैं। गुड 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 मैन, वाओ क्या बात है। घड़ी भी लगाई है, जितनी मर्जी घड़ियां लगाओ साला, अपना तो बुरा टाइम ही चल रहा है। अपने को क्या फर्क पड़ता है इधर है? एक मिनट, हेलो, एक इधर है, लड़कियां कोई नहीं बिठाई इधर है, सारा सब सूखा डाला हुआ है, बाहर है ही नहीं। सुहेल भाई, अर्चना मैडम अभी बाहर ना, निकुल भाई से लड़ रही थी, कहती थी अगली बार शो का नाम कॉमेडी सर्कस के परमीते रखना। कहते क्यों? कहते वाह,
या पर आप सोहेल भाई के मैनेजर के नाम पे सोहेल रख सकते हो कॉमेडी सर्कस के अजूबे कॉमेडी सर्कस के परमीत क्यों नहीं है? रखो सोहेल भाई हाँ इधर अभी इधर ही क्यों पता मैं आपको बहुत मिस किया बहुत याद करता था मैंने सन ऑफ सरदार देखी आपको मिस किया 786 देखी आपको मिस किया जब तक जान देखी तो बहुत मिस किया मैं सब लोग फिल्में बना रहे हैं आप क्यों नहीं बना रहे अभी तक लेकिन पता क्या है बड़े दिन से शर्त चल रही थी जब तक है जान के सन ऑफ सरदार कौन सी बड़ी हिट होगी रिजल्ट आ गया एक बार फिर से जीत गया सलमान खान विद दबंग 2 का ट्रेलर विनर अजना मैडम पता है मैंने ना यहाँ पे जो भी किया उसके लिए मुझे सलमान भाई का फोन आया कहते ठाकुर तू क्या करता है यार क्या करता है कि तुझे निकाल दिया बता मेरे को मेरे को सोहेल से भी वही करवाना है ताकि वो भी निकल जाए उधर बैठा रहता है यार अर्चना से सिर्फ 2 मिनट हाथ फिरवाने के लिए बैठा रहता है पर अपना क्या है अपना क्या है अपना अपन अपन अब कुछ नहीं भाई अपन सीधे साधे लोग हैं पर बहुत मिस किया मैंने यहाँ की हर चीज को खासकर अर्चना आपकी हंसी बहुत मिस किया मैंने बाहर रह के बाहर क्या मैं तो जब अंदर होता था चलते एक्ट में भी आपकी हंसी को मिस करता था लेकिन आज बहुत हंसी आ रही है गेस्ट आया हूँ इसलिए ना मेरा क्या है कि हर चीज को ये लाइट को मैंने बहुत मिस किया इतनी कम वक्त है ना मेरे ऊपर पड़ के भी इसने मुझे अंधेरे में रखा कभी लाइम लाइट में नहीं आने दिया आज साहब और जिमी जिम की तरह मेरी डार्लिंग इधर तेरे को मैंने बहुत मिस किया इधर कैसी है तू ठीक है ठीक है ठीक है तूने मुझे याद किया ए, 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 तुझे पता है कि तू मेरी वजह से लाइमलाइट में इस साल जम्मी जिब होके कैमरे के सामने तू मेरी वजह से आई थी अबे तेरा एपिसोड में मेरी अर्चना ने उतनी तारीफ नहीं की जितनी तेरी एक एपिसोड में की थी मेरी वजह से बढ़िया हेलो देखा कितना हैंडसम लग रहा हूँ आते ही खूबसूरत लड़की के जीभ बाहर निकल आई है कोई हैंडसम नहीं हुआ हाँ? वो तो मैं आज जिमी जीभ हूँ ये तूने पंच मारा हाँ? पंच नहीं है ये कॉमेडी के मुंह पे चांटा है पता अबे कैसा ये अच्छा हुआ मैं गेस्ट एक्ट कर रहा हूँ वरना जैसे ये पंच मार रही है मुझे तो आप गेस्ट एक्ट में एलिमिनेट कर देते ए, एक बात बता तूने मुझे सच में मिस नहीं किया मैं सच बोलूं हाँ मैंने ना मैंने तुझे बहुत मिस किया बहुत मिस किया जब से आ गया ना मैं वहां मुंह फेर के बैठी रहती थी एक बार भी किसी को शूट नहीं किया मैंने वेरी गुड लेकिन फिर एक दिन ना जैसे 8 मार्क्स अनाउंस हुए खुशी के मारे मैंने यहाँ मुंह किया लेकिन फिर तुरंत वहां मुंह फेर लिया क्यों क्योंकि यार तू नहीं कपिल था अरे वाह 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 पता है ये कपिल बहुत आगे निकल गया बहुत आगे निकल गया है हर बार निकल जाता है ये मैंने उतने 8 नंबर 13 सीजन में नहीं लिए जितने उसने एक ही सीजन में ले लिए एक बात पक्का हो गई एक बात पक्का हो गई आप लोग समझ गए हैं कि ठाकुर के बिना ये शो नहीं चल सकता देख लो मैं नहीं था तो कपिल को ठाकुर बना के रखा हुआ इधर लेकिन कोई बात नहीं ठाकुर ठाकुर इज बैक कपिल डोंट वरी अब तू जीतेगा वो भी देखो डेली सोप वाली के साथ हेलो ये डेली सोप वाली किसे कहा मैंने तो बहुत बड़ा रियलिटी शो किया है बिग लॉस ये डेली सोप्स और ये छोटे मोटे शोज मैं नहीं करती हां बिल्कुल नहीं इसको कॉमेडी सर्कस के लिए फोन किया ना तो जाके सलमान भाई को फोन करके बोलती मैं 4 हफ्ते आपके साथ रही हूं तो मैं क्या कॉमेडी सर्कस कर लूं सलमान भाई बोले अबे जो बचपन से मेरे साथ रहा जब वो वहां जाके कर सकता है तो तुझे क्या मौत पड़ती है कर ले बड़ी आई तू हेलो ऐसा कुछ भी नहीं है हाँ तुझे पता है मैं ना सलमान भाई की फेवरेट हूँ किसकी फेवरेट है सलमान भाई की दर फिट है मुँह तेरा भाई तूने सलमान को बोला है तकलीफ सोहेल भाई को हुई है क्या यार सभी लड़कियां काम सलमान भाई के साथ करके आ जाती है और मुझे बैठे बैठे भाई बना लेती हैं अबे मत बोला कर मुझे निकाल देते हैं पता है पिछली बार भी निकाल दिया निकुल भाई ने क्या वो निकुल वो क्या बोलते हैं उसको गांडा पता क्या भाई मैंने ना अभी क्या है कि बुरी और टकली चीजें सब बुला दी हैं लेकिन एक बार जाते ना डायरेक्टर इधर मैं वही करूंगा जो मेरा दिल करता है पता है ए मोहन तेरे गेट पे होते हुए इसको अंदर किसने आने दिया रे पकड़ो इसको भाव 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 मैं कुत्ता हूँ कुत्ता हूँ मैं अच्छा पहले मैं बकरी हुआ करता था बकरी हुआ करता था मोहन स्टूडियो की बकरी लेकिन मुझे देख के अर्चना जी के मुंह में पानी आ जाया करता था
इसलिए मैं कुत्ता बन गया। अबे कुत्ता बन गया लेकिन ऐसी आवाजें क्यों निकाल रहा हूँ? अरे इसलिए क्योंकि मैं एक फिल्मी कुत्ता हूँ। अरे फिल्मी कुत्ता तो कुत्ता ही होता है ना। अरे कुत्ते वाले तुम ड्रेस क्यों नहीं पहन के आया? अरे ड्रेस इसलिए पहन के नहीं आया क्योंकि अर्चना जी भी तो जज है, तो क्या काला कोट पहन के बैठी रहती है यहाँ पे? नहीं ना। और उसके बाद बहू एटीट्यूड, टीवी एक्टर्स का एटीट्यूड। मैं बाहर आया था, मैंने बाहर सब लोगों से बात करी तो निकुल सर ने मुझे बोला कि रवि बेटा तुझे इस बार कुत्ता बनना। तो मैंने कहा श्योर सर क्यों नहीं, लेकिन कॉस्ट्यूम नहीं पहनूंगा। क्यों? एटीट्यूड, टीवी वाला जरूरी है मैम, जरूरी है। बहुत एटीट्यूड है इधर, फिल्म वालों में बड़ा एटीट्यूड है। अच्छे वाले कपड़े पहन के नीचे चप्पल पहन के आ जाते हैं। मुझे बाहर ये हिदायत दी गई है कि मुझे यहाँ से एक बड़ी घटिया कॉमेडियन को धक्के मार के बाहर निकालना है। तो मैं मिलता हूँ आपसे। तुम गेट आउट, दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट, गेट आउट। बहू एक मिनट, तुम्हें मुझे पहचाना नहीं? राजीव ठाकुर हूँ। बताइए अर्चना जी, यहाँ आर्टिस्टों को कुत्ता बना के रखा हुआ है और कुत्तों को आर्टिस्ट बना के रखा हुआ है, गलत बात है, गलत बाई। इट इज रॉन्ग, डोंट यू थिंक इट इज रॉन्ग? वैसे अच्छा है, कम से कम कुछ तो चीजें हैं यहाँ पे जिन्हें देख के अच्छा लगता है। बेबी कम हियर, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। बोलो। मुझे बड़ी जोर की आ रही है, यहाँ टॉयलेट का है। मेरी बात सुन बेटा, कुछ देर यही खड़े रह जा, जैसा ये एक्ट हो रहा है ना यही पे हो जाएगी। हेलो हेलो मोहन, ए दोस्त देखते ले मैं हड्डी लेके आऊं, हड्डी फ्रेंड्स। क्या है ये हड्डी? गेंडे की हड्डी, वो भी इतनी कमजोर? अबे कौन खाता है गेंडे की हड्डी? अबे वही खाता है जिसने जुरासिक पार्क के सारे डायनासोर खा के उसे नाना नानी पार्क बना दिया। अच्छा हेलो, तब से बात किए जा रहे हो, मुझे क्यों बुलाया है यहाँ? यहाँ क्या सुंदर लड़कियों को सिर्फ खड़े रहने के लिए बुलाया जाता है? अरे खड़े रहने के लिए क्या बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो अर्चना जी आप? आप देखो आधे घंटे से हम बकवास कर रहे हैं, लोग सारे उसी को देखे जा रहे हैं। दोस्ती करने में फ्रेंडशिप है, आई लव यू। मोहन दारू पिएगा? दारू? मैं दारू नहीं पीता। वेरी गुड, देख लो कुत्ते दारू नहीं पीते लेकिन अच्छे भले इंसान दारू पी के कुत्ते बन जाते हैं। सटायर 1000 रुपया लेके जाऊंगा इधर से। आज मैंने मंत्रा से टेक्निक सीख के आया हूँ, और जैसे आप मंत्रा को ऊँ करके स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हो ना, गलत बात है। अगली बार हमें नहीं को रखेंगे यहाँ पर, ताकि 1000 रुपए के सटायर के लिए 1.5 लाख का गेटअप ना करना पड़े। देखा मंत्रा भी इतने सारे गेटअप देता है, तूने कुत्ते वाली गेटअप क्यों नहीं ली? तू थी नहीं क्या एक्ट में जब मैं बोल रहा था? अबे attitude, टीवी एक्टर का attitude. Hello, क्या टीवी एक्टर है तू? मैं ना स्टार हूँ, सुपरस्टार। तूने नहीं पहनी है गेटअप, मैं भी नहीं लूंगी जिम जिप वाली गेटअप। कुत्ता कहीं का? ए कुत्ते मत बोलो, कुत्ता नहीं हूँ मैं। कुत्ता कहीं का? मैं कुत्ता नहीं हूँ, समझा इसको। कुत्ता कहीं का? कुत्ता ही हूँ, गोदी ले लो मुझे। कुत्ता नहीं तो क्यों चा पपी है? हेलो हेलो हेलो, मैं भी कुत्ता ही हूँ। ले दारू पी के नाली में गिरता हूँ, कुत्ता ही हूँ। दारू पी के घर जाके बीवी पे भौंकता हूँ, कुत्ता ही हूँ। एक बात बता, ये जब मैं नहीं था यहाँ पे तो ब्रेक में तू बाहर बैठता था, ये सब लोग क्या बात करते थे? अर्चना तब सुमश्रुति मुझे याद नहीं करते थे? अरे बहुत 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 यार, बहुत मिस करते थे ना। मैं तो अर्चना जी के सोफे के नीचे बैठा रहता, तेरी बातें सुनने के चक्कर में तो मैंने अपनी पीठ पे कितनी बार सिगरेटें बुझवाई। देख पहले कपिल की बात करते थे, उसके बाद वो कृष्णा की बात करते थे, उसके बाद वो भारती की बात करते थे, उसके बाद वो सिद्धार्थ की बात करते थे, और उसके बाद मंत्रा की बात किए बिना तो दिन पूरा नहीं होता था। लेकिन मेरे भाई तुझे मिस कर देते थे। You were missed, मेरे भाई, you were missed. अरे यार 4 साल तक आपको हंसाया फिर भी आपने मेरे को मिस नहीं किया। हाँ, मिस किया था। जाओ, आज के बाद आपके सामने कॉमेडी करनी नहीं है मेरे को। कोई नई बात बता बे, वो सबको पता है कि तुझसे कॉमेडी नहीं होनी है। ठीक है तो तू कर ले, जा। ओ, देखो, वो नाराज हो गया। चलो आज हम दोनों मिलके ना उसे खुश कर देते। हाँ, चलो करो खुश मेरे। ठीक है ठीक है, करो करो, मुझे तो इन्हीं से मजे लेने हैं। सर मजा आया, थैंक यू। आर्ची, राजीव, सबसे पहले तो आपके ब्रिलियंट स्टैंड अप के लिए।
थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आपका स्टैंड अप जो था, इट वॉज अ स्टैंड अलोन एक्ट बाय इटसेल्फ। थैंक यू मैम। रवि, आपने पहले भी यहाँ पर एक्ट्स किए हैं, शांतनी आपने तो कई बार किए हैं, बहुत अच्छे भी किए हैं। शांतनी, ये मैं बोलना चाहूँगी कि जो आपने जिमी जिप का जो किरदार किया है, आप शांतनी ज़्यादा और जिमी जिप कम लग रही थी, तो आई वुड होप दैट ये टिप आप लें कि उस कैरेक्टर में आप घुस जाएं जिस कैरेक्टर को आप पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड रवि, मैं नॉर्मली कंपैरिजन करती नहीं हूँ, लेकिन ये कंपैरिजन मुझे करना ज़रूरी लगता है अभी, कि जब कृष्णा, अगर जैसे आप कुत्ता बने हैं, अगर कृष्णा को बोले कि कुत्ता बने वो, तो वो बीच एक्ट में कभी जबान हिलाएंगे, दूम हिलाएंगे, ऐसा कुछ ना कुछ तो करेंगे हरकत, जो आप में मिसिंग थी, और आपने कॉस्ट्यूम तक नहीं पहनी थी। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी टू इमेजिन दैट यू वर डॉग, ओके, बट इन टोटैलिटी एक्ट एक तरफ, लेकिन राजीव ठाकुर आप एक तरफ, यू आर फैबुलस। थैंक यू वेरी मच। सुहेल, राजीव, फर्स्ट यू डिड अ ब्रिलियंट स्टैंड अप व्हिच शैटर्ड एवरीवन टिल योर पार्टनर्स केम एंड शैटर्ड योर एक्ट। आई एम किडिंग, सॉरी, आई एम किडिंग। नो, बट इट्स ट्रू, वी नो व्हाट मैम सेड, दैट क्या होता है, दैट इफ यू आर प्लेइंग एन ऑब्जेक्ट, शांतिनी, दैट बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज एक ऑब्जेक्ट से कोई एक्सप्रेशंस नहीं होते, एंड देन यू हैव टू गेट इनटू द मैकेनिज्म ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, बट एनीवे इट वाज अ ग्रेट अटेम्प्ट। रवि, व्हाट आई वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग इज दैट आप कितना भी अच्छा करोगे, लेकिन अगर आप उस चीज़ या उस कैरेक्टर या उस जानवर की तरह अगर आप लगोगे नहीं, देन यू लॉस्ट हाफ द बैटल। नेवरदलेस, आई थिंक दैट यू गाइस gave a great performance, fabulous act. Zordar taaliyan hamari is tikri ke liye. चुपके चुपके रात दिन दूध चुराना याद है, उस नास पिटी बिल्ली का दूध पी जाना याद है। पहले खुले दूध पर मुंह मारने वाली बिल्लियां आजकल फ्रिज से भी दूध पीने लगी हैं, और ऐसी ही एक बिल्ली पर आज काम वाली बाई की नजर पड़ गई है। आज बिल्ली और काम वाली बाई के बीच हो जाएगा दूध का दूध, मलाई की मलाई। प्लीज वेलकम कपिल एज बिल्ली, सरगुन एज अ बाई, एंड मुबीन एज अ फ्रिज। आपको बताए मैं बिल्ली हूँ, बचकर में मैं बोलना शुरू कर दिया, मियाँ मियाँ करी जा रहा है। आपको बताए मैं बिल्ली हूँ, मेरे को दूध पीने का बड़ा शौक है, लेकिन मेरी मम्मी ने कभी मुझे बचपन में दूध नहीं पिलाया। मैं कहती आज तुझे पिलाऊंगी, फ्यूचर में क्या करेगी। लेकिन मेरा ये मानना है बच्चे को 3 महीने तक माँ का दूध मिलना चाहिए, नहीं तो क्या है ना, हम लोग बिल्लियाँ शुरू से इंसानों का दूध पीती हैं, इसलिए ज़्यादा चलाक हो जाते हैं हम लोग। वैसे मेरा एरिया है बोरीवली कांदीवली, लेकिन आज मैं मड आइलैंड में दूध पीने आई हूँ। वीकेंड पे मैं ना सेलिब्रिटी के घर के दूध पीती हूँ। मैंने सबसे अच्छा दूध पिया आज तक भारती के घर से, क्योंकि भैंस के घर से अच्छा दूध नहीं मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा। आपको बताए आज माँ जिस घर में दूध पीने आई ना, ये किसका घर है देखूँ, मैं आया हूँ। ये क्या लिखा है, अर्चना पूरन सिंह का बंगलो। ओ, ऊपर क्या लिखा है, मालिक से सावधान कुत्ते तो मासूम होते हैं। ओ, अंदर जाके देखती हूँ, किचन में दूध भी है कि हर बार की तरह परमीत बैठा हुआ है। ए, कौन है वहाँ? अरे बिल्ली होके कुत्ते की आवाज निकालती है, तेरे को खाली बताना है मेरे को कि तू ही मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं है, कॉमेडी सर्कस के कुत्ते बिल्लियाँ भी मिमिक्री कर लेते। नहीं यकीन तो ये देख, ए साले ये देख हिंदू का खून, ये देख मुसलमान का खून, अगर किसी ने बनाने में फर्क नहीं किया तो कौन होता है मैं। ए बकवास बंद कर, ये बता कि तू मेरे किचन में क्या कर रही है। तेरे को नहीं पता बिल्ली क्या करने आती है किचन में। अरे शेर की मौसी होके दूध पीती, शर्म नहीं आती? शेर का नाम क्यों लिया बे? साले मेरे को चिढ़ा रहा है, मैं बड़ी मुश्किल से शेर को भूलने की कोशिश कर रही हूँ। एक बात सुन ले, हम लोग भले बिल्ली हैं, हम लोग चोरी कर करके दूध पीते, लेकिन हमारी भी कोई इज्जत है, समझ में आया ना? इज्जत सबको प्यारी होती है, लेकिन हमने सुना है सोहेल भाई दूसरी फिल्म बना रहे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। कसम खा, कसम से अपनी खा, अगर कुछ हुआ भी तो तू ही मरे। बोल, सही बात है? सही बात है। क्या ये दूसरी फिल्म वैसी बन रही जैसे पहली बनी थी? आज मैं 2 पैग मार के अपनी अंदर की बिल्ली को जगा लूंगी। अरे अंदर की बिल्ली नहीं, शेर जागता है, शेर। साले फिर शेर का नाम ले रहा है,
गंदी शक्ल वाले। देख तेरे को जो करना है जल्दी से निकल ले इधर से। अगर मालकिन जाग गई ना, बाहर से जो दूध पीकर आई है ना, वो भी निकाल के पी जाएगी। तेरी मालकिन अभी तक सो रही है क्या? सोएगी नहीं तो क्या करेगी? सुबह 7 बजे कॉमेडी सर्कस से आई है बेचारी। लेकिन कॉमेडी सर्कस तो 2 बजे खत्म हो जाता है। अरे अंधेरी से मडाई लैंड पैदल आती है ना। ओ, लेकिन पैदल क्यों आती है? कोई लिफ्ट ही नहीं देता। क्यों 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 आखिर क्यों? भाई जमाना खराब है, अब रात के 2 बजे हट्टे कट्टे आदमी को कोई लिफ्ट देगा? तुम्हें बता एक बात, एक बार मैंने भी देखा, ये ना ऑटो में बैठी, ऑटो वाले को कहती तेरे कितने पैसे हुए, वो कहता 30 रुपए, कहती इतना सस्ता ऑटो। 30 रुपए देके ना उसका ऑटो लेके भाग गई। जल्दी बता दूध किधर है? अरे वाह तेरी चाल तो एकदम बढ़िया है, मॉडल की तरह। अपनी बहन को भी यही बोलते है? मॉडल की तरह से तेरा क्या मतलब? अरे मॉडल लोग हमारे आइडिया चुराती है, बता ऐसे जब मॉडल लोग चलती है ना, जब ये मॉडलिंग करती है ऐसे करती है। ऐसे जब पीछे मुड़ के देखती है ना, ये भी हमारा स्टेप है। जैसे हम लोग दूध चुराने जाते हैं ना, तो हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं मालकिन तो नहीं आ रही, भाग जाते हैं हम लोग। एक बात बता, मैं खोल के देखूं तेरे अंदर क्या है। एक बात बता, तू ऊपर से इतना ठंडा क्यों होता है? वो क्या है कि मैं अपने देश की तरह हूँ, जैसे कश्मीर की तरफ जाओ तो ठंडा ठंडा हो जाता है ना। अच्छा, वैसे ही। अच्छा ऊपर से ठंडा? हाँ। तो नीचे तो नारियल पानी मिलता होगा फिर। क्योंकि ऊपर बर्फ जम रही है, ऊपर कश्मीर है, तो नीचे कन्याकुमारी हुआ ना। इसका मतलब तुम्हारी जो नीचे सब्जियां हैं वो सब लुंगी पहन के घूम रही है क्या? ये क्या, तेरे तो सारे फल सड़े हुए अंदर, केला देखो जो मरुगल जाते था, ये क्या हो रहा है अंदर? अरे वो क्या है कि मालकिन जानबूझ के सड़े हुए फल लाती है ताकि अगर उसमें से कीड़े निकल जाए तो नॉनवेज का जुगाड़ भी हो जाए। लगता है मालकिन आ रही, आवाज आ रही है क्या? हाँ। इतना शोर का है कोई? अरे बाबा कौन है तू? कितना फिट रखा है तेरी मालकिन ने, ये तो एकदम नौकरानी लग रही है। ए मैं नौकरानी छे, मालकिन तो सो रही है ना, तू यहाँ क्या कर रही है? ए इसको समझा मैं क्या करने, तेरे को नहीं पता क्या करने आई हूँ मैं? दूध पीने आई है दूध। अच्छा बच्चू? बच्चू नहीं बल्लू। चल मैं तेरे को दूध देगी, लेकिन उससे पहले तुझे मेरा काम करने को पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? तुझे ना पूरा घर ऐसे चाट चाट के साफ करना पड़ेगा ताकि मेरे को पोछा ना मारना पड़े। वाह चाट के साफ करना पड़ेगा, तेरा दूध तू रख अपने पास, तेरे को ऊपर से 10 रुपए देती हूँ मैं, तू कर चाट के साफ। मैं बिल्ली हूँ मियाँ, गधी नहीं हूँ, समझ में आया तेरे को? ए मेरे किचन में मेरे चीज मैं करती है, तेरे को तो मैं अभी झाड़ू से मारेगी। ए तू मार के देख, मैं तो सोच रही हूँ तू कोई गलती करे, कपिल तेरे को मुक्का मारे पेट में। मैं तू मेरे को बार बार क्या बोल रही है? तेरी मालकिन के किचन में आई हूँ एक हफ्ते में एक बार, तो क्या हो गया तेरे को पता है? तेरी मालकिन का किचन हम जैसे कुत्ते बिल्लियों की वजह से चलता है, पूछ ले। तू तो बिल्ली है ना रे? हाँ। तो तेरे को मूछ काहे को है? तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तेरे को भी तो आई हुई है मूछ इस तरफ से। अच्छा मैं तेरे को एक बात बताती हूँ, हम लोगों में पता क्या होता है, हम लोगों के लेडीज और जेंट्स दोनों में मूछें होती हैं, बड़ी रिस्पेक्ट होती है हमारे रिलीजन में। तुम्हारी तरह नहीं, तुम्हारी मैडम की मूछें निकलाई तो ताने मारती हो। अभी तो वो बेचारी पूछ नहीं लेके आती शूटिंग में, पता नहीं क्या क्या बोलो तुम लोग उसको। अरे सुनो, दोनों को मूछें होती है तो पता कैसे चलता है मेल कौन है और फीमेल कौन है? वाह क्या सवाल पूछा है, 5 करोड़ रुपए वाला। दिल करता है अपनी पूंछ में बड़ा पत्थर रख के ना इसको उठा के तेरे सर पे मारूं। अंडरस्टूड है, हम लोग कौन सा कपड़े पहन के घूमते हैं? अच्छा सुन, तू तो शेर की मौसी है ना रे? मैं तेरे कूनी मार के तेरे ना नीचे वाले चारों दांत तोड़ के मैं तेरे को बता रही हूँ। शेर की मौसी? क्या शेर की मौसी, मैं नहीं शेर की लगती कुछ भी। वो हमने सुना था ना, तूने शेर को सब कुछ सिखाया लेकिन पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया कहीं को। सब कुछ सिखाया मैंने उसको, झूठ बोलता है वो, कुछ ही नहीं चढ़ता है, कहता है मेरे को कौन सा ऊपर जाके एप्पल खाने, मेरे को तो चिकन खाना वो तो नीचे मिल जाता है। तुम लोग मेरे को बातें मत लगाओ, मेरे को जल्दी जल्दी बताओ दूध किधर है? अरे जब से आई है दूध दूध किए जा रही है, तेरे को शर्म नहीं आती इतना दूध पीती है? तू इधर निकला साले, तेरे निकल आने से कौन सा फ्रिज बंद हो जाएगा, मारूंगा तेरे। छुप के एक्टिंग कर रहा था कि इससे नीचे वाला एक्सप्रेशन नजर ना आए किसी को। वाह देखो हम लोग चपातियां अवॉइड करते हैं क्योंकि हमारा काम ही ऐसा भाग दौड़ वाला, यू नो एथलेटिक्स, अब वी आर लाइक मिल्खा सिंह, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ, एक छत से दूसरी भागना पड़ता है तो हम लोग की सांस फूल जाती है, अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे। तुम्हारी मैडम की तरह नहीं, 20-20 चपातियां खा के इतना पेट निकाल के बैठी जजमेंट करने, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता सामने काउंटर रखा हुआ, हमारा तो ट्रांसपेरेंट काम है ना। ये बात संभल के बोलो, अगर मालकिन ने सुन लिया ना तो तुम्हारी बात लगा देंगी। एक बार मालिक ने खाने के बारे में कुछ बोल दिया था, ऐसा मुक्का मारा उनकी पीठ में कि रीढ़ की हड्डी निकल के पेट पे लग गई। क्या बात कर रहे हो? पेट ऐसा फूल गया उनका।
मैंने भी देखा मियाँ, मैंने भी देखा। पता है उसके बाद क्या बोली? कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिना खाना खाने की? फिर पेट में मुक्का मारा, सीधा हो गया, फिर रो रही थी। सुन ये तुम लोगों ने बोर्ड लगा के रखा है, मालिक से सावधान, कुत्ते तो मासूम होते हैं। कितने तुम्हारे कुत्ते मासूम हैं, तुम लोगों से भी गंदे तुम्हारे कुत्ते। पता है पिछले हफ्ते मैं आई थी दूध पीने, मेरे को देखे भौंक रहे। अबे तुम लोगों को मेरी एंट्री अच्छी नहीं लगी, मेरे से आगे बात करो। ये कुत्ते इधर भौंकने का क्या मतलब हुआ? कुत्ते कहीं के उनको समझा के रखो, मैं बता रही हूँ। ऐसे बदतमीजी करेंगे ना लेडीज के साथ तो मर्द हमारे घर में भी है। देखो बातचीत बंद करो, आओ मैं तुम्हें दूध पिलाता हूँ। जाना क्या बात के लिए, हवा में उड़ती जाए मेरी सफेद पूंछल मरियल सी हो, हो हवा में उड़ती जाए मेरी सफेद पूंछल दूध जैसी हो। ओह माय गॉड, पकड़ लिया परु, मैंने इसे पकड़ लिया। ओह माय गॉड, मेरे को क्यों पकड़ा है, मेरे को छोड़ो, मेरे को क्यों पकड़ा है? क्योंकि ये काम वाली नहीं है और मैं भी फ्रिज नहीं हूँ, मैं परमीत हूँ। क्या बोला तू, क्या है तू? मैं परमीत हूँ। ऐसा परमीत होता प्रेम चोपड़ा से शादी कर लेती हो। तेरे को की पकड़ के रखा है, मेरे को छोड़ दो। पर मुंह हमारे तो खाने का इंतजाम हो गया ना। क्या बात कर रही, तू बिल्ली को खाएगी, तेरे को शर्म नहीं आती? एक अबला बिल्ली को खाएगी, मेरा पति क्या करेगा? मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, तेरे को शर्म नहीं आती? अरे हम तुम्हें खाएंगे नहीं, तुम्हें बेच देंगे। हाँ आज दुनिया को पता चल जाएगा कि अर्चू के घर से कोई बिल्ली भी दूध नहीं पी सकती। यकीन नहीं होता तो असली अर्चू से पूछ लो। तो अर्चना आप अपने डिफेंस में क्या कहना चाहेंगी? भाई ये मेरा घर तो था, और मेरे घर में इतना छोटा नहीं, मेरे साइज का फ्रिज है, और मेरे घर में इतनी खूबसूरत भाई भी नहीं है परमीत की वजह से। जोक्स असाइड, मुझे लगा कि इस एक्ट में बहुत प्रॉमिस थी। पहली बार तुम्हें एज ए बिल्ली देख रही हूँ कपिल, और बहुत उम्मीद थी कि आपकी एंट्री बहुत कमाल की हुई थी। एंड आई थॉट अगेन द कॉन्सेप्ट हैड अ लॉट ऑफ प्रॉमिस। कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से एक्ट वहाँ नहीं पहुँच पाया जहाँ इसका कॉन्सेप्ट इस प्रॉमिस कर रहा था हमें कि ये पहुँचेगा। कपिल आपका एक्ट इसलिए कमाल का जाता है क्योंकि आप जैसी टाइमिंग और पेस, टेम्पो, मोमेंटम कॉमेडी का कोई नहीं जानता। यू आर ब्रिलियंट एट दैट। सरगुन आपने अच्छा किया जो भी आपको दिया गया था, इनफैक्ट क्वाइट क्यूटली यू डिड द बाई। ये भी कहना चाहूँगी कि ड्रेस वाले कमाल की ड्रेसेस बना रहे हैं आज, सब भालू को भी फ्रॉक दे दी, इनको भी स्कर्ट दे दी। इट वॉज अ क्यूट अटेम्प्ट, very cute attempt, and I love you guys in any case. Suhail? Kapil, मेरे भाई आप इतने demoralized मत हो जाओ, हम picture में काम कर रहे हैं, अभी आप शेर से सीधा बिल्ली मत बन जाओ, okay? वो बनेगी picture, मैं बोल रहा हूँ बनेगी picture, आप suddenly बिल्ली की तरह म्या म्या मत करो, और मतलब आपके इतने बुरे दिन आ गए, और then you become so brave, that आप किसके घर में चले गए चोरी करने के लिए, it is unbelievable. As usual, Kapil, मतलब आप जो भी कैरेक्टर निभाते हो यू डू इट विद फुल सिंसियरिटी, और आपको देख के मज़ा आता है। जब भी मैं यहाँ होता हूँ क्यों मुझे यही लगता है कि आपसे कुछ सीखने को मिलता है। जब भी आपको एक ऐसा कैरेक्टर मिल जाता है निभाने के लिए, वी जेन्युइनली इंजॉय यू। या तो सुहेल आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? 9 पॉइंट्स फ्रॉम सुहेल। अर्चना 10 पॉइंट्स फ्रॉम अर्चना।